हमें यहाँ पे फिबोनाकी प्रिंट करना है। तो फिबोनाकी सीरीज़ होती है जिसमें जैसे कि 0 1, जो इसको ऐड करने से वो 0 1 आया, फिर 1 1 ऐड करने से 2 आया, फिर 1 2 ऐड करने से 3 आया, 2 और 3 ऐड करने से 5 आया। तो एक सीरीज़ है ये। अब इसमें मैंने इसके ऊपर एक इंडेक्स लिख दिया। बेसिकली बेसिकली अगर हम लोग एरे, ये इस फिबोनाकी एरे है तो उसमें किस इंडेक्स पे आएंगे वो लिख दिया है। तो बेसिकली मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चलो ये एरे नहीं है, ये फिबोनाकी कौन से नंबर पे क्या आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। एक्चुअली ये फिबोनाकी समझो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं लिखूँगा कि भाई फर्स्ट नंबर पे क्या फिबोनाकी सीरीज आएगा, तो फर्स्ट नंबर पे 1 आएगा, सेकंड नंबर पे फिबोनाकी 1 आएगा, थर्ड नंबर पे फिबोनाकी क्या है। तो ऐसे मेरे को कोई एन नंबर दे दिया जाएगा जिसमें मैं बोलूँगा कि भाई फिफ्थ नंबर पे या फिर सिक्स्थ नंबर पे कौन सा फिबोनाकी आएगा, तो उस पर फिफ्थ नंबर पे 5 आएगा फिबोनाकी सीरीज, और सिक्स नंबर पे 8 आएगा। अभी यहाँ पे अपन को क्या करना है कि हमें दो वेरिएबल ले लेने हैं। पहले तो एक ए इजिकल टू 0 और बी इजिकल टू 1। सी अभी हम लोग को कुछ असाइन नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे कि हम जो अपना अब 0 और 1 तो हमने ले लिया है, तो बेसिकली ये इसको ए बनाया और इसको बी बनाया 1 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों का जो सम है ये दोनों का जो सम है उसको हम सी में स्टोर करेंगे। तो हम अपना जो लूप है अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 से, 2 से लेकर अब जहाँ तक भी हमको निकालना है। अभी जैसे कि इसमें दिया हुआ 5 तक, तो 5 तक निकालना है तो हम वहाँ तक निकालेंगे। 2 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा। तो हम सी में जो है वो पहले दो जो हम मतलब जो दो डिजिट्स हैं उसका समेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं बेसिकली। देखो ये क्या है, 0 1 को ऐड करने से 1 आया है, फिर 1 और 2 को ऐड करने से 2 1 और 1 को ऐड करने से 2 आया है, तो हम वही करेंगे। तो हमने दो पहले डिजिट को ए और बी बना दिया, उसको ऐड करेंगे, उसको सी में डाल देंगे। तो 0 और 1 ऐड करने से वो हो गया अपना 1, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, ए को शिफ्ट कर देंगे। अब जो ए है वो ये है, मतलब बेसिकली जो ए और बी था, तो अब ए में हम बी डाल देंगे, तो अब जो ए हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा, जो हमने इन दोनों का जो समेशन किया था हम बी में, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बेसिकली हम सी को ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। इसको एक बार रन करते हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी सी में आ गया 1, क्योंकि ए और जो बी था उसको हम लोगों ने समेशन करके सी में डाल दिया। हमने सेव कर लिया कि ए और बी का क्या समेशन है, उसको सी में डाल दिया है, तो सी में आ गया 1। अब ए को हम बी बना देंगे, तो ए हो जाएगा 1, और बी में हम अब समेशन स्टोर कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम में ये होगा कि जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, तो बी में तो पुराना समेशन है, ठीक है, ए अब नया बी बन चुका है। तो ए जो है, जो पहले ए 0 था, अब ए 1 बन गया है, और बी में अब पुराना समेशन है, मतलब इसका पूरा एडिशन भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका एडिशन था 1, और ए जो है वो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो पुराने वाले का 1 और अभी ए जो है 1, तो वो हो गया टोटल क्या बोलते हैं 2, मतलब समेशन 2। तो सी देखो यहाँ पे 2 आ गया। अब जो बी है वो ए में ट्रांसफ़र होगा, और जो वापस जो समेशन हमारा आ गया था 2, उसको हम बी में स्टोर कर लेंगे। तो अब बी में जो है वो समेशन आ गया है। अब ए को हम लोग वापस ट्रांसफ़र कर दिए थे लास्ट टाइम, बी बना दिए थे। तो ऐसे ही अब मतलब हम जब इसको पूरा चलाएंगे, तो ये हमारा जब आई इक्वल टू 5 आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा, तो उसमें जो बी होगा वो हमारा अभी जैसे कि आई आई जो है, हाँ अब ये टूटेगा, तो अब ये नहीं चलेगा। तो लास्ट में जो हमारा बी रह गया था वो 5 रह गया था, क्योंकि लास्ट में जो आई चला था 5 चला था, तो जो बी होगा अब वो 5 होगा। तो बेसिकली जो आई है अब वो अगर हमारा 5 आ चुका है, तो उसका आंसर अब हमारा जो बी होगा लास्ट में यहाँ से रिटर्न होगा, बेसिकली जो समेशन हो रहा था जो हमने बी में स्टोर किया, तो वो हमारा होगा बी। यहाँ पे आप सी भी रिटर्न कर सकते हो, बी भी रिटर्न कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा।
C5, यहाँ पे हम 6 करके देखते हैं क्योंकि हम समीशन रिटर्न कर रहे हैं। C8 सेम ही आंसर आएगा क्योंकि वो ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है,